हेलो फ्रेंड, मैं हूं राज। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल आर एम ओपिनियन। दोस्तों, आज सुबह ही यूट्यूब के 5 न्यू मजेदार अपडेट निकल के आया। मैं आज जल्द उठ नहीं पाया, इसलिए वीडियो आपको थोड़ा लेट में दे रहा हूं, इसलिए सॉरी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अपडेट बताने से पहले, प्लीज 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 वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल में अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ऐसे ही जब नए नए अपडेट निकल के आता है, मैं आपके लिए वीडियो एक बना देता हूँ, क्योंकि अपडेट जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये अपडेट अगर आपको पता नहीं चलेगा तो यूट्यूब पर आपको काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए कुछ देखो या ना देखो, यूट्यूब की अपडेट जरूर फॉलो करना। पहला जो अपडेट निकल के आया है वो है यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर। आपको पता है यूट्यूब शॉर्ट्स को यूट्यूब ने सबसे पहले यूएस में लॉन्च किया था, उसके बाद इंडिया में लॉन्च किया। अभी यूट्यूब शॉर्ट्स को ग्लोबली लॉन्च कर रहा है पूरे वर्ल्ड में, और यूट्यूब शॉर्ट्स का जितने सारे टूल्स हैं सभी देशों में अवेलेबल हो जाएगा, जैसे कि यूट्यूब शॉर्ट्स कैमरा, यूट्यूब कॉपीराइट फ्री म्यूजिक लाइब्रेरी से म्यूजिक, यूट्यूब कॉपीराइट फ्री लॉन्ग वीडियो से ऑडियो कैप्शन, ये सभी आपको मिल जाएगा। नंबर टू जो अपडेट निकल के आया है वो है स्टोरीज मैट्रिक कार्ड्स। आप लोग जो स्टोरी यूट्यूब पर डालते हो, जो स्टोरीज सेंड करते हो, पोस्ट करते हो, अभी से ये स्टोरीज के सारे एनालिटिक्स आप अपने स्टूडियो में चेक कर पाओगे, कितने व्यूज आया है, कितने वहां से कमेंट आया है, और वहां से कमेंट का आप रिप्लाई भी दे पाओगे। नंबर थ्री जो अपडेट निकल के आया है वो है मोबाइल परमिशन। आप लोगों को पता है जिन यूट्यूब क्रिएटर के पास बहुत सारे चैनल है, या फिर वो बहुत ही अलग कामों से बिजी रहता है लेकिन उनके यूट्यूब चैनल है, वो लोग क्या करते हैं, अपने चैनल को मेंटेन करने के लिए दूसरे किसी को मैनेजर रख देते हैं, या फिर दूसरे किसी को परमिशन दे देते हैं कि वो उनकी चैनल को मेंटेन करे, कमेंट सेक्शन देखे, कमेंट का रिप्लाई करे, ये थंबनेल बना दे, या फिर वीडियो एडिटिंग कर दे, ऐसे कुछ काम। मतलब वीडियो शूट करेगा वो क्रिएटर, बाकी सभी काम वो करता है। इसके लिए यूट्यूब क्रिएटर को उनको परमिशन देना पड़ता है। ये पहले सिर्फ डेस्कटॉप मोड पर था, मतलब लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पर ही ये काम होता था। अभी से यूट्यूब मोबाइल एप्लीकेशन पर भी ये फीचर्स लॉन्च कर रहा है, मतलब आप मोबाइल से ही किसी को परमिशन दे सकते हो, मोबाइल पर ही वो अपना चैनल को मेंटेन कर सकता है। ओके, नंबर फोर जो अपडेट निकल के आया है वो है वीडियो कैप्चर। ये बहुत ही एक अपडेट निकल के आया है, लेकिन इसका एक गुड साइड है और एक बैड साइड भी है। आप लोगों को पता है कुछ दिनों से आप देख पाओगे कुछ वीडियो पर आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जितने टाइम का वीडियो है उन वीडियो का कैप्चर निकल के आता था। मान लो 1 सेकेंड से 30 सेकेंड तक इंट्रो, 30 सेकेंड से 1 मिनट तक ये पार्ट, और 2 मिनट पर ये पार्ट, 3 मिनट्स पर ये पार्ट। मतलब अपने वीडियो पर अपने जो जो पॉइंट बताया है वही पॉइंट डिस्क्रिप्शन पर टाइमिंग्स के साथ दिख जाता था, मतलब व्यूअर्स देख सकता था कौन सी टाइमिंग्स पर वीडियो का आप कौन सी पार्ट बताया है। तो वहां पर अगर वो बंदा वो व्यूअर्स क्लिक करता था तो वीडियो का वही पार्ट पर, वही टाइमिंग्स पर, वही सेक्शन पर वो डायरेक्ट चल जाता था, वो सेक्शन वो डायरेक्ट देख पाता था। इससे क्या होता है कि व्यूअर्स का ओरिजिनल जो चाहिए वीडियो से, जो नॉलेज उनको चाहिए, उसे डायरेक्ट मिल जाता था, उल्टे सीधे कुछ बात सुनने की जरूरत नहीं है उनको। ये गुड साइड है, लेकिन बैड साइड क्या है? बैड यह है कि हम लोग जो क्रिएटर यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, अगर हमारा पूरा वीडियो लोग देखते हैं, व्यूअर्स देखते हैं, तो हम लोगों को अच्छे वॉच टाइम मिलता है। अभी क्या होगा, यहाँ पर जब कोई व्यूअर्स मेन, मान लो 2 मिनट्स पर मेन पॉइंट, मेन
वीडियो का जो बातें सुन के चला जाएगा तो वीडियो का वॉच टाइम थोड़ा घट जाएगा, क्रिएटर का वॉच टाइम थोड़ा घटेगा इससे। लेकिन यूट्यूब कह रहा है कि ये फीचर्स अभी सभी को नहीं दिया जाएगा, कुछ ही वीडियो पर दिया जाएगा। ये यूट्यूब डिसाइड करेगा किसको ये फीचर दिया जाएगा और किसको ये फीचर नहीं दिया जाएगा। और ये जो फीचर्स आएगा ये मैन्युअली आप सेट कर सकते हो। आप अपने वीडियो पर क्या क्या पॉइंट्स बताए हो उसी पॉइंट्स पर आप अपने पिक्चर के साथ अपना वीडियो का कैप्चर मैन्युअली सेट कर सकते हो और यूट्यूब खुद डायरेक्ट ये कैप्चर आपके वीडियो पर ऑटोमेटिकली सेट करवा भी सकता है। ये भी फीचर्स आ रहा है, मतलब अपने वीडियो पर जो भी बातें की है उनका एक कैप्चर यूट्यूब सेट करके यहाँ पर डाल देगा कि यहाँ पर ये क्रिएटर कौन सी टाइमिंग्स पर कौन सी पॉइंट पर बातें की है, नॉलेज दी है। यूट्यूब खुद ये कैप्चर बना देगा और आप मैन्युअली भी बना सकते हो। ये फीचर्स बहुत ही अच्छा आ रहा है। और नंबर 5 जो लास्ट अपडेट निकल के आया है, यूट्यूब स्टूडियो डार्क मोड। हम लोग जो यूट्यूब क्रिएटर बहुत देर तक लैपटॉप पर या फिर डेस्कटॉप पर काम करते हैं, मेनली नाइट में जब हम लोग काम करते हैं बहुत देर तक, तब आंखों में बहुत ही स्ट्रेस पड़ता है। तो यूट्यूब अभी ये डार्क मोड लेके आ रहा है। आप ये डार्क मोड अगर यूट्यूब स्टूडियो पर काम करने के वक्त इस्तेमाल करोगे तो आपका आंखों का स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाएगा। ये फीचर्स यूट्यूब अभी लॉन्च कर रहा है। यही 5 अपडेट आया है सुबह ही। उम्मीद करते हैं अपडेट आपको पसंद आई। फिर से अगर नए कुछ अपडेट आता है आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। आज के लिए चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।